हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट इंजीनियर्स। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है थंब रूल्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। और आप अगर एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको हर एक थंब रूल्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले थंब रूल नंबर वन की बात करता हूँ, थंब रूल फॉर एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन की जो क्वांटिटी होती है वो फुटिंग के कंक्रीट की क्वांटिटी से 3 गुना ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर फुटिंग के कंक्रीट की क्वांटिटी 6 MQ है तो इस तरीके से एक्सकेवेशन की क्वांटिटी जो होगी वो 18 MQ होगी। नेक्स्ट थंब रूल है कंक्रीट रिक्वायर्ड इन 1 square foot एरिया। 1 square foot एरिया के स्लैब में 0.038 MQ और 1000 square foot एरिया के स्लैब में 38 MQ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट थंब रूल है स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। स्लैब के टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 1% स्टील यूज़ होता है। और बीम की बात करें तो बीम के 2% ऑफ कंक्रीट क्वांटिटी का 2% स्टील यूज़ होता है। और जहां तक कॉलम की बात करें तो टोटल कॉलम के टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 2.5% स्टील यूज़ होता है। और फुटिंग के टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का 0.8% स्टील यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्लैब कंक्रीट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील इंटू 1%। सीमेंट बैग रिक्वायर्ड्स फॉर ब्रिक मेसनरी वर्क। तो जहाँ तक ब्रिक मेसनरी वर्क की बात करें तो 9 इंच वाली 1 MQ वाल में 25.4 बैग्स यूज होता है। और इसी तरीके से 4 इंच के 1 MQ वाल में 6.32 बैग्स ऑफ सीमेंट यूज होता है। ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 square foot वाल। 10 square foot वाल के 9 इंच में 95 to 100 ब्रिक्स यूज। 4 इंच वाल में 45 से 50 ईंटें आती हैं। नेक्स्ट थंब रूल है 1 MQ ब्रिक वाल में 7.25 बैग्स ऑफ सीमेंट यूज होता है। और नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग प्लाई बोर्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड जो होती है वो शटरिंग एरिया से 0.22 टाइम्स ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, शटरिंग एरिया अगर 30 meter square है तो 30 meter square इंटू 0.22, इस तरीके से 6.6 प्लाई बोर्ड यूज होगा। थंब रूल है बैटन की क्वांटिटी जो होती है, बैटन क्वांटिटी कैलकुलेशन 19.82 इंटू नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड्स। प्लाई बोर्ड से 19.82 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, इस तरीके से 198.2 आ गया। थंब रूल है शटरिंग एरिया 1 meter square में 75 grams नेल्स यूज होता है। नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग ऑयल कैलकुलेशन 0.065 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। नेक्स्ट थंब रूल है सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड इन प्लास्टर वर्क। एक्सटर्नल प्लास्टर में 1 meter square में 0.175 बैग्स और इंटरनल में 0.09 बैग्स यूज होता है। नेक्स्ट है सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड इन कंक्रीट स्लैब। 1000 square foot में 70 बैग्स यूज होता है। नेक्स्ट थंब रूल है ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क में 1 mason 1 labor 1.25 MQ काम करते हैं। नेक्स्ट वॉल प्लास्टर में 1 mason 1 labor 10 meter square काम करते हैं और या 108 square foot। कारपेंटर की बात करें, कारपेंटर 1 skilled और 1 unskilled जो है 4 meter square। बारबेंडर 1 skilled प्लस 1 unskilled इक्वल टू 150 kg। टाइल वर्क 1 mason 1 labor 10 meter square। ये सारे 8 घंटे में काम करते हैं। नेक्स्ट थंब रूल है हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन 2022। स्ट्रक्चर वर्क जो है 1150 पर स्क्वायर फुट, फिनिशिंग वर्क 650 पर स्क्वायर फुट। नेक्स्ट थंब रूल है पेंटिंग वर्क कॉस्ट बाय थंब रूल। 2 coat putty प्लस 2 coat paint जो है 18 to 20 पर स्क्वायर फुट। नेक्स्ट थंब रूल है फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग वर्क में मार्बल जो है 100 to 120 पर स्क्वायर फुट है। ग्रेनाइट जो है 20 to 25 पर स्क्वायर फुट है। नेक्स्ट है 15 इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो लगता है इलेक्ट्रिकल का 7 to 120 पर स्क्वायर फुट। लेबर रेट 15 to 35 पर स्क्वायर फुट। नेक्स्ट थंब रूल है सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड इन फ्लोरिंग वर्क। विट्रीफाइड टाइल के पर स्क्वायर मीटर में 0.28 और सेरामिक टाइल के पर स्क्वायर मीटर में 0.28 बैग सीमेंट यूज। डेडो टाइल्स में 0.27 बैग यूज होता है। नेक्स्ट थंब रूल है थंब रूल्स टू कैलकुलेट मटेरियल्स क्वांटिटी ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन फॉर 1000 square foot। 1000 square foot के लिए मटेरियल की क्वांटिटी। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट 400 बैग्स यूज होता है। सैंड की बात करें तो सैंड जो है 1000 square foot में 51 MQ सैंड यूज होता है। एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट जो यूज होता है
608 टन यूज होता है। जहाँ तक स्टील की बात करें तो बिल्ट अप एरिया इंटू 4 यानी कि 4000 के जी स्टील जो 1000 स्क्वायर फुट में 18 लीटर पेंट यूज होता है। और जहाँ तक फ्लोरिंग की बात करें तो बिल्ट अप एरिया इंटू 1.3 इक्वल टू 1000 इंटू 1.3 1300 स्क्वायर फुट विद स्कर्टिंग यूज होता है। ब्रिक वर्क जो है 8000 ईंटें आती हैं 1000 स्क्वायर फुट में। नेक्स्ट थंब रूल है डेप्थ ऑफ बीम। डेप्थ ऑफ बीम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाई 12। अगर स्पैन 5 मीटर का है तो इस तरीके से 5 मीटर बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 417 mm अकॉर्डिंग टू SI कोड। नेक्स्ट थंब रूल है डेप्थ ऑफ स्लैब एज पर IS 456 सिंपली सपोर्टेड स्लैब इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाई 30। स्लैब का जो स्पैन है उसको डिवाइड कर देंगे 30 से तो आ जाएगा। और कंटिन्यूस स्लैब में जो है स्पैन डिवाइडेड बाई 7 तो स्लैब स्पैन इक्वल टू 10 मीटर के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 10 मीटर से ज़्यादा में ये फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट थंब रूल है सीमेंट रिक्वायर्ड इन कंक्रीट के जी M10 में 210 के जी और M20 में 320 के जी सीमेंट यूज होता है। इस तरीके से M25 में 340 के जी और M30 में 380 के जी होता है। M35 में 410 के जी होता है। इस तरीके से M40 में 430 के जी होता है और M45 में 450 के जी होता है। तो मैंने टोटल 20 थंब रूल के बारे में बता दिया। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।